हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है फूड कुचोर में। मैं हूं चेतना पटेल और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं जन्माष्टमी पे जब भी कृष्ण भगवान का जन्म होता है तब एक प्रसाद सर्व किया जाता है, वो है पंजरी। तो आज मैं पंजरी की रेसिपी लेके आई हूं। तो इसे बनाना बहुत आसान है और ये जो पंजरी है बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलो बनाना शुरू करते हैं। पंजरी बनाने के लिए सबसे पहले मैं गैस ऑन कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक हेवी बॉटम वाला नॉनस्टिक पैन लिया है। अगर आपके पास नॉनस्टिक पैन नहीं है तो कोई भी हेवी बॉटम वाला पैन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ले रही हूँ प्योर घी। यहाँ पे मैंने 1.5 टेबल स्पून घी लिया हुआ है और जैसे ही घी गर्म होता है तुरंत ही इसमें मैं डाल देती हूँ साबुत धनिया। तो यहाँ पर मैंने लिया है 100 ग्राम साबुत धनिया। गैस की फ्लेम एकदम स्लो रखेंगे और इसे एकदम स्लो फ्लेम पर सेक लेते हैं। अब इसमें मैं डाल देती हूँ बादाम। आप चाहे तो अलग से भी इसे सेक सकते हैं। और इसी के साथ मैं इसमें डाल देती हूँ काजू। यहाँ पे मैंने काजू और बादाम दोनों 25-25 ग्राम लिया है। और इसी के साथ मैं इसमें ले रही हूँ पिस्ता। पिस्ता में 15 ग्राम ले रही हूँ। 10 ग्राम में वाटरमेलन सीड्स ले रही हूँ। और इसी के साथ मैं 10 ग्राम वॉलनट्स ले रही हूँ और 10 ग्राम में चिरौंजी ले रही हूँ। ये सारे इंग्रेडिएंट्स को स्लो फ्लेम पर सेक लेते हैं। यहाँ पे मैं सारे इंग्रेडिएंट्स एक ही साथ सेक रही हूँ। आप चाहे तो साबुत धनिया को पहले हल्का सा सेक ले और इसे बॉल में निकाल दे और इसके बाद सारे ड्राई फ्रूट्स को अलग से सेक के भी ले सकते हैं। गैस की फ्लेम स्लो रखेंगे और इसे कंटिन्यू हिलाएंगे। ड्राई फ्रूट्स का प्रोपोर्शन आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ये जो पंजरी है बहुत ही टेस्टी बनती है। यहाँ पे मैं ले रही हूँ सूखा नारियल और इसे मैंने कद्दूकस कर लिया है। तो ये मैं ले रही हूँ 50 ग्राम। जब ड्राई फ्रूट्स और धनिया सिकने को आए इसके बाद ही डालना है, क्योंकि सूखा जो नारियल है इसे सिकने में ज़्यादा टाइम नहीं जाता है। आप देख सकते हैं अच्छे से सिक चुका है। अब इसे ठंडा होने देते हैं। गैस ऑफ कर लेते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। इसके बाद हम इसे क्रश करेंगे। ये ड्राई फ्रूट वाला मिक्सर ठंडा हो चुका है। अब इसे हम मिक्सी जार में ले लेते हैं। अब इसे क्रश कर लेते हैं। यहाँ पे मैं चालू बंद करके क्रश करूँगी। चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं अच्छे से क्रश हो चुका है। अभी और थोड़ा सा हम क्रश कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ये अच्छे से क्रश हो चुका है। तो हमें ऐसा ही चाहिए था। अब हम क्या करेंगे, इसे एक बोल में निकाल देते हैं। अब मैं इसमें डाल देती हूँ चॉप करके किशमिश। यहाँ पे मैंने 25 ग्राम किशमिश लिया हुआ है। इसी के साथ इसमें मैं डाल देती हूँ सौंठ पाउडर। सौंठ पाउडर मैंने यहाँ पे 10 ग्राम लिया हुआ है। और 5 ग्राम मैं ले रही हूँ इलायची पाउडर। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है मिश्री का पाउडर। तो इस टाइप की चीनी मिश्री इजीली मार्केट में मिल जाती है, तो इसे मैंने मिक्सी में क्रश करके पाउडर बनाया है। तो वो मैं ले रही हूँ 200 ग्राम। हाथ की मदद से इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप देख सकते हैं, तो इस तरह से हमें अच्छे से मिक्स करना है, तब जाके इसका अच्छा टेस्ट आएगा। तो आप ये वाला प्रोसेस ज़रूर करें।
अब देख सकते हैं पंजरी हमारी रेडी है, बहुत ही फ्लेवरफुल और बहुत ही टेस्टी तैयार होती है। ऊपर से बादाम फ्लेक्स और पिस्ता फ्लेक्स से गार्निश कर लेते हैं। इस जन्माष्टमी पे कृष्ण भगवान के जन्मदिन पर पंजी का प्रसाद जरूर बनाएं और आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। हमें आपकी कमेंट्स का इंतजार रहेगा और एक रेसिपी के साथ हम वापस आएंगे। तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग। नंद गेरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद गेरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की।